अगली महत्वपूर्ण खबर यह है कि पंचकुला में राज्य चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। हरियाणा निर्वाचन सदन में 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उपचुनाव का शेड्यूल जारी होगा। पंचायतों के खाली पदों पर उपचुनाव का यह शेड्यूल जारी होगा। यहां आपको ये बता दें कि 1900 से ज्यादा खाली पदों पर उपचुनाव होना है। जुलाई महीने में होनी है पंचायतों के ये उपचुनाव। और राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1983 पदों पर 9 जुलाई को उपचुनाव हो सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। शेड्यूल को लेकर भी शेड्यूल ये रह सकता है, ये माना जा रहा है 21 जून से लेकर 26 जून तक नामांकन की प्रक्रिया रहेगी। 27 जून को नामांकन वापसी के बाद देखिए जांच होनी है और 28 जून को नामांकन पत्र लिए जा सकेंगे वापिस अगर कोई लेना चाहता है तो। इसके बाद ये देखिए कि 9 जुलाई को सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक पंचायतों के लिए उपचुनाव होने के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। तो उपचुनाव को लेकर क्या कुछ जानकारी जितेंद्र सामने आ रही है आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए बिल्कुल, पंचायतों के जो खाली पड़े पद हैं उनको लेकर के जो उपचुनाव है उसको लेकर के आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस तरीके के 1983 पद हैं जिन पर उपचुनाव को लेकर के आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई है उसमें तारीखों का ऐलान आधिकारिक तौर पर कर दिया जाएगा। लेकिन खबरें अभी तक के सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो 21 जून से 26 जून तक नामांकन की प्रक्रिया जो है वो रह सकती है और 27 जून को नामांकन की जांच और 28 जून को नामांकन वापस लेने की तारीख जो है वो मुकर्रर की जा सकती है। और जो चुनाव है वो 9 जुलाई को रखा जाएगा जिसमें 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक जो पंचायतों के उपचुनाव होने हैं 1983 पद पर उसको लेकर के समय निर्धारित किया जाएगा। यानी पूर्णतः जो पंचायतें रह गई थी, जो पद रह गए थे पंचायतों के अंदर, उन सभी पदों पर चुनाव होगा। और इसमें अगर किसी तरीके की कमी है या फिर कोई तैयारी को लेकर के कोई और अपडेशन की जरूरत है उसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगी जो कि आज राज्य चुनाव आयोग की तरफ से 12 बजे रखी गई है। चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक।